हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को पेट ब्लाउज कटिंग करना बताएंगे पूरा स्टेप बाई स्टेप। इस ब्लाउज को मैं यहाँ पर 36 साइज के हिसाब से काट करूँगी। तो यहाँ पर अस्तर लिया है 75 सेंटीमीटर, तो स्लीव में मैं यहाँ पर अस्तर नहीं लगाऊंगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 70 सेंटीमीटर अस्तर लिया है। तो फ्रेंड्स, छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप अभी भी चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचने के लिए। तो पहले मैं यहाँ से अस्तर पे काट करूँगी। चाहे तो फैब्रिक में काट करना है तो काट कर सकती हूँ डायरेक्ट। तो सबसे पहले अस्तर पे काट करने के लिए बैक पार्ट काट करूँगी। तो बैक पार्ट काट करने के लिए अस्तर को 2 फोल्डिंग करके ले लूँगी। फोल्डिंग इतना तक ही करना है जिससे कि आपका ब्लाउज जितना साइज़ का भी हो उसके साथ एक्स्ट्रा फैब्रिक ऐड करना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पर मैं 2 इंच तक ऐड करूँगी। आपको कितने इंच तक ऐड करना है आप अपने हिसाब से ऐड करना है। तो उसके बाद लेना है लंबाई। लंबाई के लिए देखिए, हमेशा अपने हाइट के अनुसार ही मेजरमेंट लेना होता है। तो अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा लंबाई कम लेना है कम ले सकते हो, थोड़ा ज़्यादा रखना है रख भी सकती है। तो लंबाई देखिए, इस ब्लाउज में मैं लंबाई रखूँगी, तैयार रखूँगी इसमें 14 इंच तक तैयार रखूँगी। तो यहाँ से 14 इंच तक लूँगी। ये देखिए 14 इंच तक निशाना लगाया है। अब यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी, तो टोटल 15 इंच का लंबाई रखूँगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये देखिए 2 लाइन दिया हुआ है। ये मेन लाइन है और ये एक्स्ट्रा का लाइन है। तो अभी देखिए यहाँ से शोल्डर लूँगी। शोल्डर यहाँ से भी देखिए 5 इंच का शोल्डर लेना है। तो 36 साइज में 5 इंच का शोल्डर लेने से ठीक है। और यहाँ से 2 इंच तक रखूँगी। तो अभी यहाँ से देखिए आर्महोल लूँगी। आर्महोल यहाँ से भी देखिए, मैं यहाँ से 5.5 इंच का आर्महोल ले रखूँगी और यहाँ से 5 इंच तक बराबर मिलाऊँगी। उसके बाद लूँगी डीप नेक। डीप नेक देखिए कितने इंच तक लेना है। तो यहाँ से देखिए कितने इंच तक डीप नेक रखना है। मैं यहाँ से 11 इंच का डीप नेक रखूँगी। अब इससे ज़्यादा कम लेना है तो कम ले सकते हो और बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो। यहाँ पर देखिए टोटल यहाँ से देखिए 4 इंच तक मिला है। तो 4 इंच में यहाँ पर सिलाई करने के बाद 3 इंच तक रहेगा। और यहाँ से देखिए इसका चौड़ा रखूँगी 3.5 इंच तक डीप नेक का चौड़ा रखूँगी। उसके बाद लूँगी चेस। चेस यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये 36 साइज है, 36 को मैं यहाँ पर 4 से डिवाइड करूँगी। 4 से डिवाइड करने से 9 इंच तक मिलते हैं और एक्स्ट्रा 2 इंच तक रखूँगी। फिर लेना है कमर। कमर देखिए चेस से हमेशा 1 इंच तक कम लेना है। इस तरीके से ब्लाउज का कमर का मेजरमेंट लेना होता है। फिटिंग्स करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा मिलेगा इसको काट कर लीजिए। तो यहाँ से देखिए 1 इंच का लगभग यहाँ पर आर्महोल का पॉइंट को लगाया है और यहाँ से इस तरीके से मिलाऊंगी। ये देखिए यहाँ से इस तरीके से हल्का सा इस तरह से मिलाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए बैक पर पूरा पूरी कंप्लीट है। तो चलिए इसको काट कर लूँगी। उसके बाद काट करूँगी फ्रंट साइड। फ्रंट साइड काट करने के लिए यहाँ पर देखिए अस्तर को ये देखिए 2 फोल्डिंग करके ले लूँगी। फिर से बैक पार्ट से यहाँ पर एक्स्ट्रा 2 इंच ज़्यादा करके ले लूँगी, क्योंकि फ्रंट साइड की तरफ से पिंच स्कर्ट ब्लाउज में भी लंबाई में भी ज़्यादा चाहिए और चौड़ा में भी ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ से देखिए इस तरीके से मैंने एक्स्ट्रा 2 इंच तक ज़्यादा रखकर फोल्डिंग किया है। तो यहाँ से देखिए जो काटा हुआ बैक पार्ट को इस अस्तर के ऊपर रखूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए इस लाइन को सीधा करके ले लूँगी यहाँ से इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए लंबाई में एक्स्ट्रा 1 इंच तक ज़्यादा लेना है। ये कहाँ से लेना है देखिए, यहाँ से लेना है एक्स्ट्रा 1 इंच।
तो जहाँ से एक्स्ट्रा 1 इंच लिया है वहाँ से देखिए इस बैक पार्ट को यहाँ पर इस तरीके से बराबर रखूंगी। रखने के बाद देखिए इसी के हिसाब से पहले निशाना लगा लूंगी, हर जगह से इस तरीके से पहले निशाना लगा लेना है। उसके बाद लेना है फ्रंट नेक, तो फ्रंट नेक यहाँ पर देखिए कितने इंच तक लेना है फ्रंट नेक डीप, तो यहाँ से मैं रखूंगी फ्रंट नेक डीप। आपको कितने इंच तक रखना है आप अपने हिसाब से रख सकते हो। मैं यहाँ से 6.5 इंच तक रखूंगी इसका नेक डीप, और यहाँ पर देखिए नेक का चौड़ा रखूंगी, यहाँ से 2.5 इंच तक नेक का चौड़ा लूंगी मैं यहाँ से। इस तरीके से मिला देना है। अभी देखिए यहाँ से भी राउंड नेक का ही शेप लगाऊंगी। अभी देखिए यहाँ पर आर्महोल से और एक पॉइंट लगाऊंगी, ये मैं 1.25 इंच तक लगाया है, और यहाँ से इस तरीके से मिलाऊंगी। ये देखिए इस तरीके से मिलाना है। मिलाने के बाद देखिए यहाँ पर बस पॉइंट के लिए मेजरमेंट लूंगी। बस पॉइंट देखिए यहाँ पर 9.5 इंच तक आता है, तो यहाँ से 9.5 इंच और एक्स्ट्रा 1/2 इंच लूंगी, तो टोटल 10 इंच का बस पॉइंट यहाँ से लूंगी। 36 साइज में 9.5 इंच तक आता है बस पॉइंट। और अभी देखिए यहाँ से एपेक्स पेन लूँगी, एपेक्स पेन यहाँ से 3.5 इंच तक रखूँगी। फिर यहाँ से देखिए दांत लगाना है। अगर आप इसको थोड़ा ज़्यादा शेप चाहिए तो यहाँ पर देखिए 3 इंच का टोटल लगा सकते हो। मैं यहाँ से 2 इंच का लगाऊंगी, इस साइड 1 इंच और इस साइड 1 इंच, दोनों साइड की तरफ से 1 इंच 1 इंच का यहाँ पर टैक्स का निशाना लगाया है। अब इस पॉइंट को यहाँ से मिला दूंगी। तो यहाँ से देखिए इस पॉइंट को कितने इंच तक लगाना है, चाहो तो आप 5.5 इंच तक लगा सकते हो। मैं यहाँ से 6 इंच का इस पॉइंट को लगाऊंगी और यहाँ से देखिए इसको मिला दूंगी। पिंच स्कर्ट ब्लाउज में हमेशा एक बार ध्यान में रखना है, यहाँ से देखिए एक्स्ट्रा ज्यादा लेना है, एक्स्ट्रा 2 इंच तक ज़्यादा रखूंगी। ये सिलाई करने के बाद इसमें कपड़ा कम हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ से एक्स्ट्रा ज़्यादा लेना होता है, तो यहाँ से 2 इंच तक ज़्यादा रखूंगी। आर्महोल का साइड की तरफ से भी 1/2 इंच तक ज़्यादा रख दिया है, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मिलाऊंगी इस पॉइंट को। इस साइड की तरफ से जैसा है वैसा ही रखूंगी, तो चलिए इसको काट कर लूंगी। अस्तर पे कटिंग कर लिया, तो चलिए फैब्रिक में कटिंग करूंगी। फैब्रिक में कटिंग करने के लिए यहाँ पर देखिए फैब्रिक को 2 फोल्डिंग करके ले लूंगी इस तरीके से। देखिए
ये देखिए फैब्रिक में इस तरीके से काट कर लिया है। तो अभी देखिए दूसरा पार्ट को भी सेम तरीके से यहाँ पर काट लगाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए फैब्रिक और अस्तर में कटिंग पूरा पूरी कंप्लीट है। तो चलिए अभी स्लीप काट करूँगी। स्लीप में अस्तर नहीं दूंगी, तो यहाँ से देखिए स्लीप काट करूँगी। स्लीप को काट करने के लिए यहाँ पर देखिए जो प्रिंटेड किया हुआ है इसको बराबर मिला कर लूँगी, उसके बाद ही फोर फोल्डिंग कर लूँगी दोनों स्लीप को काट करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरीके से मिलाकर फोल्डिंग किया है और यहाँ से स्लीप काट करूँगी। स्लीप का लंबाई देखिए कितना इंच तक लेना है, जैसे कि 9.5 इंच तक स्लीप का टोटल लंबाई होगा और एक्स्ट्रा सिलाई के लिए 1 इंच, तो टोटल यहाँ से 10.5 इंच का स्लीप काट होगा। तभी देखिए यहाँ से आर्मूल के साइड की तरफ से कितने इंच तक लेना है, जैसे कि यहाँ पर देखिए 11 इंच होने से यहाँ पर 8 इंच तक रखना है, अगर 10 इंच होने से यहाँ से 7.5 इंच तक रखना है। तो जैसे कि स्लीप 9.5 इंच है तो मैं यहाँ से 7 इंच तक ही रखूँगी, यहाँ से इस तरीके से 7 इंच तक मिलाऊँगी। फिर देखिए स्लीप का मोहरी लेना है, आपके स्लीप का मोहरी जितने इंच तक लेना है और उसके साथ एक्स्ट्रा कितने इंच तक लेना है आप इसको ऐड कर देना है। तो यहाँ पर देखिए अस्तर और फैब्रिक में पूरा पूरी कटिंग कंप्लीट है। तो जैसे कि यहाँ पर पेट एडजस्ट करके सिलाई करने के लिए किस तरीके से सिलाई करनी है देखिए, तो पेट एडजस्ट करने के लिए दोनों पार्ट को अलग अलग सिलाई करना होगा, अस्तर को अस्तर सिलाई करना होगा, फैब्रिक और फैब्रिक को सिलाई करना होगा। अगर पेट एडजस्ट नहीं करने से दोनों पार्ट को एक ही साइड पर सिलाई कर लेने से होता है। और यहाँ से देखिए इसको इस तरीके से मिलाकर सिलाई करना है, देखिए यहाँ से नीचे की तरफ से इस तरीके से मिलाकर सिलाई करना है पूरा घुमाकर। इस सिलाई में देखिए बिल्कुल खींचना नहीं है, इस तरीके से सिलाई करना होता है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ जाए वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचने के लिए। तो फ्रेंड्स इसका सिलाई का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। थैंक यू।